आज इस तरीके से मैंने मैगी बनाई है, अगर आपने एक बार इस तरीके से मैगी बना ली तो आप अपने सारे तरीके भूल जाओगे और हर बार इसी तरीके से मैगी बनाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पैन के अंदर 2 बड़े चम्मच तेल के गर्म कर लिए। तेल गर्म होने पर मैंने इसके अंदर डाला 10 से 15 लहसुन की कलियां, जिसे क्रश करके मैंने डाला। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, इनको 2-3 मिनट छोटे कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। इसके बाद में इसके अंदर डालेंगे 1 कटा हुआ टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल देंगे, जिससे टेस्ट अच्छा आएगा और थोड़ी ज्यादा क्रिस्पी भी बन जाएगी। इसके बाद इनको 2-3 मिनट अच्छे से छोटे करेंगे और फिर ना ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। मैगी बनाने का सबका अपना अलग तरीका होता है, लेकिन एक बार आप मेरे कहने से इस तरीके से जरूर बनाइएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। 5 मिनट तक इनको ढक के पकाने से अपने टमाटर वो एकदम से सॉफ्ट हो गए। अब इसके अंदर डालेंगे 2 कप पानी के और पानी को भी इसके अंदर अच्छे से मिला देंगे। और जब पानी गर्म हो जाएगा, पानी के अंदर एक उबाल आ जाएगी, तो अपन इसके अंदर डाल देंगे मैगी। मैगी के मैंने यहाँ पे 3 पैकेट लिए हैं छोटे वाले। आप जितनी मैगी बना रहे हैं उसी हिसाब से इसके अंदर मैगी डाल सकते हैं। सारी मैगी डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाला मैगी मसाला, जो कि अपनी मैगी के साथ ही आता है। तो मैंने यहाँ पे 3 पैकेट ही मैगी मसाला के इसके अंदर डाल दिए थे। मसाला डालने के बाद जो छोटे छोटे टुकड़े मैगी के रह जाते हैं, मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिए थे। पैकेट के अंदर बच जाते हैं ना वो वाले। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ना इनको पलट देंगे, ताकि मैगी ना ऊपर और नीचे दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। अब क्या करेंगे, इसको ढककर पका लेंगे। और ये 2 मिनट वाली मैगी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2 मिनट में तो कोई भी मैगी बिल्कुल नहीं बन सकती, क्योंकि 2 मिनट में तो पानी भी गर्म नहीं होता। इनको अच्छे से मिला के इनको ढक दो। गैस की फ्लेम को लो ही रखना है और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट बाद आप जब चेक करेंगे तो आपकी मैगी ना बनके रेडी हो चुकी होगी और ये थोड़ी जूसी भी बनेगी। इसके अंदर ज्यादा पानी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा रहेगा, जो कि काफी अच्छा टेस्ट देगा। तो इसी स्टेज पर ना गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये देखिए कितनी लंबी लंबी अपनी नूडल्स के जैसी मैगी बनी है ना, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं टूटी। तो बस अब जल्दी से इसको गर्मा गर्म सर्व करना है और फिर खाना है। तो जल्दी से कॉमेंट करके बता दो आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो यार लाइक तो करना बनता ही है। ओके बाय।